रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया जो धोनी कोहली नहीं कर सके। 112 साल बाद भारत के नाम हुआ ये अद्भुत रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच में भारत को हार मिली थी। इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से हराया था तो भारत में हाहाकार मच गया। सोशल मीडिया पर कई सारे फैंस कप्तान रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे, तो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट यह भी बोल रहे थे कि रोहित को टेस्ट की कप्तानी नहीं समझती है। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि विराट कोहली के बिना रोहित ये सीरीज जीत ही नहीं सकते। पहले टेस्ट के हार के दिख भी कुछ ऐसा ही रहा था। बेसबॉल फॉर्मूला वाली इंग्लिश टीम ने पहले ही मैच में भारत को हैरान कर दिया था। इसके बावजूद भारत ने ऐसा पलटवार किया कि अगले चारों ही मैच जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। बता दूं कि 112 सालों से ऐसा पहली बार हुआ है जबकि टीम ने पहला मैच गंवाने के बाद बचे सारे मैच जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा अनोखा कारनामा 1897-98 और 1901-1902 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था, जबकि इंग्लैंड ने 1911-12 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा किया था। अब भारत ने हैदराबाद टेस्ट में मिली हार के बाद विशाखापट्टनम, राजकोट, रांची और फिर धर्मशाला में लगातार 4 मैच जीतते हुए सीरीज 4-1 से अपने नाम की। मैच की बात करें तो रविचंद्र अश्विन की घातक गेंदबाजी से भारत ने इंग्लैंड को 5वें और अंतिम टेस्ट में तीसरे दिन दूसरे सत्र में पारी और 64 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। पहला मैच जीतने के बाद सीरीज 4-1 से जीतने वाले कुछ टीमें इस प्रकार है। आखिरी टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर समेट दी थी। उसके बाद 477 रन बनाकर भारत ने पहली पारी में 259 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्र अश्विन ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को 195 रन पर समेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारतीय टीम के लिए अश्विन का 100वां यादगार टेस्ट बन गया है जहां उन्होंने कुल 9 विकेट अपने नाम किए। इस जीत में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतक, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल के अर्धशतकों का भी योगदान रहा है। इस आखिरी टेस्ट मैच के जीतते ही भारत ने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आपको बता दूं कि 2016 में चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी और 75 रन से जीता था। एक पारी से भारत की यह इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। वही अब दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में धर्मशाला का यह मैच आ गया है जिसमें भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 64 रन से हराया है। भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर का रिकॉर्ड रूट के नाम है। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ अब तक टेस्ट में कुल 21 अर्धशतक ठोके है। इसके अलावा अपने 100वें टेस्ट में बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड अब रविचंद्र अश्विन के नाम हो गया है। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 128 रन देकर 8 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में मुथैया मुरलीधरन है जिन्होंने 2016 में 9 विकेट पर 141 रन दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम है। बता दूं कि मुथैया मुरलीधरन ने 67 बार 5 विकेट लिए हैं। वही अब इस लिस्ट में 4थे नंबर पर रविचंद्र अश्विन आ गए हैं जिनके नाम 36 5 विकेट हॉल है। शेन वॉर्न, अनिल कुंबले और मुथैया मुरलीधरन के बाद रविचंद्र अश्विन 4थे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट में 5 विकेट लिए हैं। और आले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के लिए तमाम रिकॉर्ड बनाकर गई है। वैसे इस पूरे सीरीज में आपको किस एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसका नाम कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।